अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चलिए आप लोग अपने रीडर्स निकालिए पेज नंबर 55। तेज पढ़िए और लिखिए। तेज का मतलब क्या है? फास्ट फास्ट पढ़ना, और पढ़िए और लिखिए। चलिए क्या है बच्चों, देखो। पुल पर चल, बस पुल पर है, ये खत लो, ये किसका नल है, जिद ना कर, हम सब का रब है, ये बात सच है, ये काम तुम करो, हज को जा, ये गल किसका है, बच कर चल, हर बद से लड़, ये मग है, चुन कर ले जा, खत ले कर जा, कल गिन कर ले, गम ना कर, चुप कर, वो तब है। बच्चों ये रीडिंग करना आप लोगों को है, और ये पूरा रीड करना आराम से देखिए। पुल पर चल, बस पुल पर है, ये खत लो, ये किसका नल है, जिद ना कर, हम सब का रब है, ये बात सच है, ये काम तुम करो, हज को जा, ये गल किस का है, बच कर चल, हर बद से लड़, ये मग है, चुन कर ले जा, खत ले कर जा, कल गिन कर ले, गम ना कर, चुप कर, वो तब है। फिर से मैं रीड कर रही हूँ, देखिए। अच्छी तरीके से गौर से रीडिंग सुनना, और आप लोग आप इसके साथ साथ रीडिंग करेंगे। ये क्या है बोलो बच्चों? पुल पर चल, बस पुल पर है, ये खत लो, ये किसका नल है, जिद ना कर, हम सब का रब है, ये बात सच है, ये काम तुम करो, हज को जा, ये गल किस का है, बच कर चल, हर बद से लड़, ये मग है, चुन कर ले जा, खत ले कर जा, कल गिन कर ले, गम ना कर, चुप कर, वो तब है। बच्चों ये अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे, ये पोएम आप लोग को रीड कर कर मेरे को वॉइस मैसेज भेजेंगे। तेज पढ़िए और लिखिए, मीन्स के फास्ट पढ़ना है, रीडिंग इसकी तेज तेज करना है। चलिए, बच कर चल, हर बद से लड़, ये मग है, चुन कर ले जा, खत ले कर जा, कल गिन कर ले, गम ना कर, चुप कर, वो टप है। बच कर चल, हर बद से लड़, ये मग है, चुन कर ले जा, खत ले कर जा, कल गिन कर ले, गम ना कर, चुप कर, वो टप है। अब ये आप लोग रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 लाइन्स दी थी फर्स्ट टाइम लिखने के लिए, और ये 4 लाइन्स है। नीट हैंडराइटिंग में लिखकर मेरे को ये पोस्ट करेंगे, और रीडिंग करके वॉइस मैसेज भी भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़। और होमवर्क भी करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अल्लाह हाफिज़।